नमस्कार साथियों, जय हिंद जय भारत। कैसे हो आप सभी? आशा है कि आप बहुत बढ़िया तरीके से होंगे और आपकी पढ़ाई भी जोरदार तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज आप बात करेंगे कि रिवीजन कैसे करें। भाई, आप सब पढ़ाई करते हैं, गवर्नमेंट नौकरी की तैयारी करते हैं, तो आपके बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, जैसे किसी सब्जेक्ट में किसी भी, चाहे आप SI की ले लो, राजस्थान पुलिस, रीट या LDC, किसी भी प्रकार की आप कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, तो मिनिमम 7 से 8 सब्जेक्ट हर नौकरी के लिए होते हैं। जैसे भूगोल हो गई, राजनीति हो गई, इतिहास हो गई, इंग्लिश हो गई, मैथ हो गई, तो ऐसे कम से कम मिलके 7-8 सब्जेक्ट हो जाते हैं और आप 7-8 सब्जेक्ट को पढ़ते हैं। तो मैंने आपको जैसे पहले बताया था कि अपना एक ही उद्देश्य है कि 2023 में कैसे ही करके अपने को सरकारी नौकरी पानी है। तो इस चक्कर में हमने आपके लिए शानदार एक बुक का कलेक्शन की, कौन सी किताबें आपको SI के लिए पढ़नी चाहिए, राजस्थान पुलिस के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, फिर मैंने आपके लिए की बुक को कैसे पढ़ना चाहिए, 5 स्टेप बुक को पढ़ने के आपको मैंने बताए थे, ठीक है। मैंने आपको टाइम टेबल भी बताया था और अब मैं आपको बता रहा हूँ कि किसी भी बुक का रिवीजन कैसे करें, किसी भी सब्जेक्ट का रिवीजन कैसे करें। क्योंकि साथियों, आपने देखा होगा कि किसी भी चीज का रिवीजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिवीजन नहीं करोगे तो आपकी तैयारी पूरी पूरी गड़बड़ हो जाएगी। देखिए साथियों, मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर देता हूँ कि ये जो अपना मिशन 2023 चलाया है अपन ने सरकारी नौकरी के लिए, इसमें केवल मैं कृष्ण की भूमिका में हूँ, अर्जुन की भूमिका में आप हो। युद्ध केवल आपको जीतना है, सरकारी नौकरी आपको अचीव करनी है, पूरी की पूरी मेहनत आपको करनी है, हम तो केवल रास्ता बता सकते हैं। इसी कड़ी में आगे है कि रिवीजन कैसे करें, ठीक है। तो इसके जो चीज मैं आपको बताऊंगा, यदि आप अपनी पढ़ाई की जो जर्नी है, जो यात्रा है, उसमें इस चीज को अचीव अप्लाई करोगे तो शानदार परिणाम आपको नजर आएगा, ठीक है। आप बात करें भाई अगर कहीं रिविजन क्या करूँ, देखिए मिनिमम आपको मैंने बोला है कि आपको टाइम टेबल में 4 सब्जेक्ट को शामिल करना है। कम से कम एक दिन में 8 सब्जेक्ट नहीं पढ़ना है आपको, एक दिन में 4 सब्जेक्ट पढ़ना है, ठीक है। ठीक है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने, यानी आपने ले लिया कि पहले हिस्ट्री को ले लिया, भूगोल को ले लिया, और कला और संस्कृति ले ली, और राजनीति ले ली। ये 4 सब्जेक्ट आपने अपने टाइम टेबल में शामिल कर लिया, ठीक है। तो आप बारी बारी 2-2 घंटा करके इस सब्जेक्ट को एक एक दिन पढ़ रहे हैं, तो आप केवल सोमवार से लेकर, जैसे आप पहली बार इस कोर्स को कर रहे हो, तो सोमवार से लेकर शनिवार तक आपको, सोमवार से शनिवार को तक केवल ये सब्जेक्ट को पढ़ना चाहिए आपके टाइम टेबल के अनुसार। और फिर 7 दिन के में आप केवल रविवार का जो वार होता है, रविवार, इस रविवार के दिन को आप अपने रिविजन करने के लिए आप तय करें। और रिवीजन करना इतना जरूरी है, मेल का पत्थर साबित होगा, जिसे नींव का पत्थर होता है, किसी बिल्डिंग को टिकाए रखता है, उसी प्रकार से आपकी तैयारी में रिवीजन बहुत ज्यादा महत्व रखता है, ठीक है। तो आप 6 दिन पढ़िए और 7वें दिन रिवीजन करिए, ठीक है। रविवार के दिन आप रिवीजन का रख लीजिए, ठीक है। ऐसे करके आप 4 सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। फिर आप दोबारा 19 सब्जेक्ट को वापिस कभी टाइम टेबल में शामिल करते हो तो फिर आपको 7 दिन से रिवीजन करने की जरूरत नहीं। फिर आप जब दूसरी बार 19 सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करते हो, क्योंकि 5 बार किसी भी सब्जेक्ट का कोर्स कंप्लीट करना जरूरी है, तो पहली बार में आप 7 दिन से रिवीजन कीजिए, दूसरी बार जब आप उसका कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 15 दिन से रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। 14 दिन आप पढ़ाई कीजिए और 15 दिन रिवीजन, 15वें दिन आप रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। और जब आप उस उन्हीं 4 सब्जेक्ट का तीसरी बार कोर्स को कंप्लीट कर रहे हो तो आपको 21 दिन से रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। यानी 20 दिन आपको केवल उन 4 सब्जेक्ट को पढ़ना है और 21वां दिन अपना रिवीजन के लिए रखिए, ठीक है। और जब आप चौथी बार उसका कोर्स कंप्लीट कर रहे हो तो आप शायद 27वें दिन रिवीजन कीजिए और 26 दिन केवल उन सब्जेक्ट को पढ़िए, ठीक है। 27 दिन से ज्यादा आपके रिवीजन के समय को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। चौथी बार आप जब पढ़ रहे हो तो 27वें दिन आप रिवीजन कीजिए, बाकी ज्यादा से ज्यादा रिवीजन की अवधि केवल 27 दिन ही है। 27 दिन के बाद आपको हर सब्जेक्ट का रिवीजन करना चाहिए। मान के चलिए यदि आप इस ट्रिक को अप्लाई करोगे आपकी स्टडी में, आपकी जो आप पढ़ाई कर रहे हो, जिस भर्ती की पढ़ाई कर रहे हो, चाहे किसी भी भर्ती की, तो इसमें शानदार साबित होगा। दूसरा, मैंने किताबों का वीडियो आपके बना ही दिया है, ठीक है। टाइम टेबल तक का वीडियो मैंने बना दिया है, तो हर प्रकार से मैं अपना पूरा कोशिश कर रहा हूँ। आपने देखा होगा बिना एक दिन भी वेस्ट किए पूरे सप्ते के 7 दिन में आपके, आपसे बात करने के लिए 5 से 6 लाइव रहता हूँ। बाकी जितने मुझे जो जरूरी लगता है वो लाइव क्लास भी अपलोड करता हूँ, वीडियो भी अपलोड करता हूँ, आपके सवालों का जवाब भी देता हूँ, ठीक है। तो आप इन चीजों को देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना, व्यू लाना, ये हमारा चैनल का बिल्कुल भी उद्देश्य नहीं है, लेकिन आप इन चीजों को अप्लाई कीजिए जो मेरे से जुड़े हुए दिल से। मान के चलिए मैं आपको 2023 तक गवर्नमेंट नौकरी तक पहुंचा के रहूंगा। बाकी आपको बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।